देखे किस तरह से हम ज़र्ब कर सकते हैं। आइए आपको मैं एक और मिसाल हल करके बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो खाका होता है, कि ये खाका आपको आगे की ऊपर की क्लासेस में भी मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये खाका बनाने में एक वक्त जाता है। में आ गया, अब हमने दोनों से ज़र्ब दे दिए तो हमको कोई एक जवाब हासिल हुआ? नहीं, अभी दो जवाब हासिल हुए। हमने ये दोनों से ज़र्ब दिए थे, इसलिए वो दोनों के ज़र्ब को जमा करेंगे। याद रखो, यहाँ क्या करना है? जमा करना है। यहाँ जमा करेगी, आपने पढ़े हैं अव्वल जमात में, दुअम जमात में, सुअम जमात में जमा का अमल सीखे आपने। तो ये आठ में सिफर मिलाए तो आठ, सिफर में चार मिलाए चार, एक में चार मिलाए पांच, एक का एक। इस तरह से हमारा जवाब क्या आया? देखो, 1548, 1548। उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। मैं मज़ीद आपको होमवर्क के तौर पर या अपनी मश्क के लिए आपको मिसालें दूंगा। उम्मीद है आप लोग इसे हल करेंगे। सरपरस्त हज़रात, वालिदैन ख़ास तौर से तवज्जो दें, अपने बच्चों को वक्त दीजिए। वक्त देने पर ही बच्चे कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे।